हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास टेन एन एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर टू आज जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ इनफाइनेट सॉल्यूशंस और हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है हम अपने पहले वीडियो में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन इनके लिए जो कंडीशंस हैं वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अब उन्हीं कंडीशंस को यूज करते हुए यहाँ पर हम जो ए और बी हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे जिससे कि जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनका सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट हो जाए तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस में से हम a1 b1 ए टू बी टू सी वन सी टू ये सारा ढूंढेंगे अब हियर ए वन क्या है हमारे पास ए वन इज टू ए टू क्या है ए टू इज ए माइनस बी यानी एक्स का कोफिशंट जो है अब बी वन बी वन इज थ्री एंड बी टू इज इक्वल टू वाई का कोई फिशन क्या है ए प्लस बी सी वन इज सेवन एंड सी टू इज थ्री ए प्लस बी माइनस टू यानी पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म जो है वो यहाँ पर है है अब क्योंकि इन्होंने हमें infinite solution बोला तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो देखते हैं क्या होती है हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू अब हम जो हमारे वेरिएबल्स हैं यानी ए वन ए टू बी वन बी टू जो हमारे कोफिशेंट्स हैं वेरिएबल्स वाले उन्हें उनकी प्लेस पे रखेंगे ए वन क्या है हमारा टू ए टू ए माइनस बी इज इक्वल टू बी वन इज थ्री एंड बी टू ए प्लस बी सी वन इज सेवन एंड सी टू इज थ्री ए प्लस बी माइनस इस ढंग से हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया है अब हमें क्या करना है हमें एट ए टाइम दो एक्सप्रेशन को लेके, दो टर्म्स को लेके, उन्हें कंपेयर करना है जैसे फर्स्ट टाइम में हम इन दो को कंपेयर कर लें सेकेंड टाइम में हम इन दो को कंपेयर करें दो को क्यों कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स के लिए हम उन्हें अगर हमें फाइंड आउट करना है दो वेरिएबल्स को तो इक्वेशन भी दो होनी चाहिए तो सबसे पहले हम अपना पहला पेयर ले लेते हैं टू अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू थ्री अपॉन ए प्लस बी अब टू अपॉन ए माइनस बी और थ्री अपॉन ए प्लस बी को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी गया टू के पास टू इं टू ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री इंटू ए माइनस बी ये हो गया टू ए प्लस 2b is equal to 3a minus 3b यानी हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं a की टर्म्स एक जगह और b की टर्म्स कांस्टेंट तो कोई है नहीं यानी ये सारे टर्म्स एक जगह ले आते हैं या अब देखते हैं 2a minus 3a is equal to minus -3b और 2b इधर चला गया minus -2b तो हमारे पास क्या आ गया यहां पर माइनस ए इज इक्वल टू माइनस फाइव बी माइनस माइनस कैंसिल ए इज इक्वल टू फाइव बी यानी ए हमें बी की टर्म्स में मिल गया तो हम इसे एक इक्वेशन मान लेते हैं अपनी सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे हम अपने इन दो टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो सेकेंड पार्ट में हम क्या होगा हमारा थ्री अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सेवन अपॉन थ्री ए प्लस बी माइनस टू अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू थ्री ए प्लस बी माइनस टू एंड सेवन इंटू ए प्लस बी थ्री अंदर सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा थ्री थ्री नाइन ए थ्री बी माइनस सिक्स सेवन ए प्लस सेवन बी अब नाइन ए ये सेवन ए माइनस का बन के आ गया थ्री बी यहां है सेवन बी यहाँ माइनस का बन के आ गया और सिक्स उधर प्लस बन के चला गया अब इसे सॉल्व करें नाइन ए माइनस सेवन एज टू ए थ्री बी माइनस सेवन बी कितना हो जाएगा माइनस फोर बी इज इक्वल टू सिक्स अब हम सब्सिट्यूशन मेथड से यहां पर ए की जगह वैल्यू फाइव बी पुट कर दें यानी ये जो हमारी इक्वेशन टू है इसमें हम इक्वेशन वन से वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा हमारा टू ए की जगह हम क्या रख रहे हैं फाइव बी माइनस फोर बी इज इक्वल टू सिक्स टू फाइवजा टेन बी माइनस फोर बी इज इक्वल टू सिक्स तो ये हो गया सिक्स बी इज इक्वल टू सिक्स बी इज इक्वल टू सिक्स अपॉन सिक्स दैट इज वन तो बी की वैल्यू हमारे पास वन आ गई और ए हमारे पास क्या है ए इज इक्वल टू फाइव बी यानी ए इज इक्वल टू फाइव इन टू वन दैट इज फाइव तो हमारे आंसर क्या मिल गया ए है हमारा फाइव एंड बी इज इक्वल टू वन यानी ए अगर फाइव है और बी वन है तो हमारा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे एक एग्जांपल हम और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू का ही सेकंड पार्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन और हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो अब यहाँ भी हम नो no सॉल्यूशन की कंडीशन हमें पता है उसे यूज़ करते हुए के की वैल्यू निकालेंगे तो अब यहाँ हमारे पास ए वन है थ्री ए टू इज़ टू के माइनस वन बी वन इज़ वाई का कोवेशन क्या है यहाँ पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है इट मीन्स वाई के आगे क्या है हमारा वन एंड बी टू इज के माइनस वन C1 is 1 and C2 is 2k इज टू अब हमें फॉर नो no solution नो no solution की कंडीशन देखनी है नो no solution की कंडीशन क्या होती है हमारी ए A2 अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू वैल्यूज पुट कर देते हैं ए वन इज थ्री अपॉन टू के माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन k minus वन is not equal to वन upon टू के प्लस वन अब हम यहाँ पर इन्हें सोल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ भी हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है कि हम ये पेयर सोल्व करें और ये पेयर सोल्व करें सबसे पहले हम इक्वल वाला पेयर सोल्व कर लेते हैं थ्री अपॉन टू के माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन के माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज थ्री इन टू के माइनस वन एंड टू के माइनस वन तो हमें मिल गया थ्री के माइनस थ्री इज इक्वल टू टू के माइनस वन थ्री के टू के माइनस का बनकर आया माइनस वन और ये माइनस थ्री यहां प्लस का बन के चला गया यहाँ बचा k इज इक्वल टू टू अब हम दूसरी कंडीशन को चेक k की वैल्यू के लिए कंपेयर करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो वैल्यू हमने k की यहां पर निकाली है क्या ये कंडीशन ये वैल्यू जो है ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है जो सेकंड कंडीशन है हम सेकंड कंडीशन है वन अपॉन के माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन अपॉन टू के प्लस वन के की वैल्यू टू रखते हैं ये टू माइनस वन और ये हो गया टू इंटू टू प्लस वन दट इज वन अपॉन क्या आ जाएगा वन अपॉन टू माइनस वन इज वन और ये हो गया टू टू से फोर प्लस वन फाइव इट मीन्स वन अपॉन वन इज नॉट इक्वल टू वन अपॉन फाइव और यही हमारी कंडीशन है इट मीन्स के जो है के की ये जो वैल्यू है ये हमारे ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है और बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है तो यानी k इज इक्वल टू टू जो है इसके लिए हमारे जो लीनियर इक्वेशन हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इट मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन फॉर के इज इक्वल टू टू तो हमारे पास आंसर आ गया फॉर के इज इक्वल टू टू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हैं हमें यहाँ पर दूसरे कंडीशन में सिर्फ जो हमने पहली वैल्यू निकाली है उसे पुट करके उस कंडीशन को चेक किया है कि क्या वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं हमने देखा हाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर आंसर इज के इज इक्वल टू टू तो आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे इसी तरह हम यूनिक सॉल्यूशन यानी ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू वाली कंडीशन भी यूज करके के ए या जो भी हमें वेरिएबल दिया होगा उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं तो मिलते हैं एक और वीडियो में Till then, keep practicing and enjoy maths.